नमस्कार, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्न आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इनकी अधिक से अधिक आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमने लिया है आरोह से काव्य खंड का पहला पाठ, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, और उनकी दो कविताएं इसमें शामिल की गई हैं। पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हमने इसी पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है, यह पंक्ति हमें सूचित करती है कि जीवन की घड़ियां भी इसी पंक्ति के समान हैं। हमें चाहिए कि समय का सदुपयोग करें और अपने उद्देश्य को समय के बीतने से पहले पालें। समय निरंतर गति से चलता रहता है, यह किसी के लिए नहीं ठहरता है, अतः हमें समय रहते अपने काम कर लेने चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे समय की महत्ता बतलाई गई है कि किस तरह समय हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय निरंतर गति से प्रवाहमान रहता है और किसी के लिए रोकता नहीं है, इसीलिए हमें समय रहते अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, शीतल बाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है? देखिए, इस काव्य पंक्ति का अभिप्राय यही है कि कवि की वाणी में शीतलता के गुण के अतिरिक्त ओजस्वी गुण भी विद्यमान है। उसकी वाणी शीतल रहती है क्योंकि वह धीरज नहीं खोता, वह संसार का विद्रोह करता है लेकिन अपनी वाणी को शीतल बनाए रखना चाहता है। वह अपने हृदय की आग को वाणी में समाहित तो करता है लेकिन शीतलता के गुण को बनाए रखते हुए। भाव यही है कि वह अपने दिल में विद्यमान दुख को वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है लेकिन यह ध्यान रखता है कि वाणी में कोमलता बनी रहे। इस तरह से वह अपने मन की भड़ास भी निकाल देता है और स्वयं का आपा भी नहीं खोता। देखिए, शीतल बाड़ी में आग से आशय यही है कि कवि के मन में कुछ आक्रोश है लेकिन वह उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए शीतल और सौम्य वाणी का ही प्रयोग करना चाहता है, न कि अभद्र वाणी का। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? देखिए, यहाँ पे बच्चों से तात्पर्य है पक्षी के बच्चों से। इसका उत्तर है, बच्चों को लगता है शाम ढल गई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह से नीड़ों से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। कहने का आशय यही है कि जो पक्षी होते हैं वो प्रातःकाल होते ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं और शाम ढलते ढलते उनके बच्चे नीड़ों से अपना सिर निकाल कर बार बार झांकते रहते हैं कि कहीं उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आ तो नहीं गए। इस प्रकार वह नीड़ों से झांकते हैं और अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं। आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।